और भाग्य चक्र देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी नीतू का नमस्कार और आचार्य जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम आपको बता दें आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे आज का पंचांग, उसके बाद लेंगे राशिफल, साथ ही आपके सवालों का जवाब भी देंगे आचार्य जी। इसके अलावा जिन बच्चों का जन्मदिन है उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं होंगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। आज 25 जून दिन मंगलवार अषाढ़ किशन पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो पूरा दिन चलेगी जी। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है जो पूरा दिन चलेगा। आज सौभाग्य योग है रात्रि 11:27 तक। आज जिन बच्चों का जन्म होगा उन बच्चों के जन्म का पहला अक्षर होगा दू, थे या दो। आज चंद्रमा मीन राशि में है और सूर्य भगवान मिथुन राशि में चल रहे हैं। आज का राहु का रहेगा साय 3 से लेकर 4:30 तक और आज का दिशा सूर्य मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। अति आवश्यकता में आप उत्तर दिशा की यात्रा करें। यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव को नमस्कार करें, मिष्ठान ग्रहण करें। निश्चित रूप से आपकी इष्ट देव की कृपा से यात्रा मंगलमय रहेगी, आप सकुशल वापिस आएंगे। आज सर्वार्थ सिद्ध योग चल रहा है, सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। इसमें आप किसी प्रकार का शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज का शुभ समय, आज का लाभ चौघड़िया रहेगा प्रातः 10:30 से लेकर 12 तक और अमृत चौघड़िया रहेगा 12 से लेकर 2 तक। ये समय बहुत ही उत्तम है। इसमें किसी प्रकार का कार्य आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य पूर्ण निर्विघ्न संपन्न होता है। यानी कि आज सुबह से लेकर कल सुबह तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप अपने किसी भी महत्वपूर्ण काम को कर सकते हैं क्योंकि ये दिन और ये समय आपके लिए शुभ है। अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो लेंगे आज का राशिफल। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज उन चीजों को ज्यादा अहमियत दें जो आपके लिए जरूरी है। वृक्ष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। दफ्तर में माहौल शानदार रहेगा, मेहनत करने से जरूरी कार्य आज आपके पूरे होंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, आज दिन खुशहाल रहेगा, आज आपको अलग पहचान मिलेगी। कर्क राशि के लोगों का दिन आज सामान्य रहेगा, आज आपका तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, काम की वजह से भाग दौड़ आपको चिड़चिड़ा बना सकती है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आज आप दिन में किसी रचनात्मक कार्यों में आज का दिन लगेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आज आपको कोई बढ़िया मौका मिलेगा, आज जीवन साथी से चल रही अनबन भी दूर हो जाएगी। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, आज आप किसी समारोह में खुद को अकेले महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आज आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार है। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आज इस राशि के लोगों के लिए लाभकारी रहेगा, निवेश से भी लाभ मिलेगा। मकर राशि के लोगों के लिए दिन आज सामान्य है, कार्यस्थल पर बॉस का सहयोग आपको मिलेगा, जीवन में कुछ नए अनुभवों का एहसास भी आज आपको होगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आज दूसरों के साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। मीन राशि के लोगों के लिए दिन आज का सामान्य रहेगा, आज अगर नई जमीन की खरीदारी में मन है तो आज जरूर खरीदें। इसी के साथ कार्यक्रम के पहले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से उषा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं दिल्ली से उषा बोल रही हूँ। मैं कविता के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। इनका जन्म 1986 का है। हाँ जी, 1986 सुबह 8 का और अम्बाले का है जी। 1986 हाँ जी, सुबह 8। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्रश्न दोबारा बोलिए।
हाँ जी, कविता नाम है पंडित जी 1986। क्या पूछना है पंडित जी? ये ना बहुत परेशान है शादी के बाद, नुमा शादी में नुमा के बस सेट नहीं हो पा रही है, उसका काम रोजगार भी नहीं है, और जो उसके पति है वो इसे चाहते नहीं है बिल्कुल भी, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है, इसके चार ग्रह लग्न में बैठे हैं। जब भी चार ग्रह लग्न में बैठते हैं इंसान कंफ्यूज माइंड होता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसको क्या धैर्य रखें, प्रातःकाल जल्दी उठें, केसर का तिलक लगाएं, क्योंकि अभी कार्य सिद्धि का समय नहीं चल रहा, अभी रुकावटों का समय चल रहा है। नवंबर के बाद इसका समय अच्छा शुरू हो जाएगा, इसके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। छोटे मोटे उपाय जरूर करते रहें, केसर का तिलक लगाएं, रोज किसी धर्म स्थान में जरूर जाइए, उससे क्या है बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। जो भी चार ग्रह इसके लग्न में हैं जो कंफ्यूज करते हैं, सूर्य है ईगो देगा, चंद्रमा शीतलता देगा, तो अलग अलग प्रकार हैं, तो इन सबको सही करने के लिए बृहस्पति की मदद इसको मिलनी चाहिए। वो तभी मिल सकती है जब ये केसर का तिलक लगाए, धर्म स्थान में जाए, उससे क्या है चारों ग्रहों का जो भी बुरा प्रभाव है वो सही हो जाएगा, और नवंबर के बाद इसका भाग्य उदय होगा, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक कैथल से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी नमस्कार मैम जी, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम जितेंद्र मेहरा है। हाँ जी, अपना सवाल आचार्य जी से कर सकते हैं आप। मैम मेरे को अपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछना है जी। बोलिए। हाँ जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च 1992 है। 28 मार्च 1992। हाँ जी सर। टाइम बता दीजिए। टाइम 3:20 प्रातः काल। हाँ जी बिल्कुल, जब भी सरकारी सर्विस की बात आती है सूर्य को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। सूर्य अच्छा होगा तभी सरकारी सर्विस मिलती है। सूर्य अच्छा कब होगा? सूर्य लग्न में हो, 84 का हो, सूर्य पंचम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सूर्य बुध का योग छठे घर में बन रहा हो, तो सूर्य अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत कहीं भी सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य अष्टम भाव में हो, या सूर्य द्वादश भाव में हो, शनि के साथ हो, तो सूर्य खराब हो जाता है। उसका असर आपके घर पे भी आता है, जीवन पे भी आता है। अगर आप पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं या बड़ों का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सूर्य अच्छा होगा। सूर्य को जल देने से भी सूर्य अच्छा हो जाता है। हमेशा पुराने रीति रिवाजों को मानना, झूठ नहीं बोलना, ये सब सूर्य अच्छे के संकेत है। तो आपकी जन्म कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठे बैठे हैं, सूर्य बुध तीसरे घर में बैठे हैं, सरकारी सर्विस मिल सकती है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब भी शनि लग्न में आता है शनि चंद्र की युति, बहुत मेहनत के बाद कार्य सिद्ध होता है। तो आप उपाय करते रहें, प्रयास करते रहें, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य बिल्कुल नहीं खोना आपने, और सूर्य को जल देना है, पिता को नमस्कार करना है, अगर आसपास कहीं बंदर मिले तो उनको गुड़ चढ़ा देना है, जिससे क्या है सूर्य अच्छा हो जाएगा, और जो शनि का प्रभाव लगन पे पड़ रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, उससे आपको सरकारी सर्विस मिलेगी जी। इसी के साथ गुरमीत हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। गुरमीत हरियाणा जी, गुरमीत हरियाणा से है, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी जी, अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। सर जी मैं गुरमीत बोल रहा हूँ हरियाणा से जी। सर मेरी उम्र 1977 3 जनवरी। हाँ जी सर, मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ अभी मेरी राशि क्या बनती है सर, और एक कोई भी कार्य करता हूँ कार्य नहीं होता है पूरा। बिल्कुल, देखिए राशि जानने के लिए पूरा आपको जन्म समय बताना पड़ेगा, डेट बतानी पड़ेगी, तभी राशि का पता लगेगा। अगर समय ज्ञात ना हो फिर राशि में दिक्कत आ जाती है। और जहाँ तक आपके कार्य सिद्धि की बात है तो हम प्रश्न कुंडली से, क्योंकि आपने जन्म समय नहीं बताया तो प्रश्न कुंडली से आपका थोड़ा समय लगेगा, धैर्य की कमी नजर आ रही है, आप नर्वस हो चुके हैं। हिम्मत करिए, हौसला करिए, धैर्य रखिए, और समय आने वाले समय, क्योंकि प्रश्न कुंडली से आपका जनवरी से अच्छा समय आएगा,
और जनवरी के बाद आपका कारोबार चल पड़ेगा, पैसा भी आएगा, परंतु निराशा को छोड़ना पड़ेगा, आशावादी बनना पड़ेगा आपको। और प्रातःकाल जल्दी उठिए, योगा कीजिए, सैर कीजिए, मन प्रफुल्लित रखिए, क्योंकि जब तक आपका मन प्रफुल्लित नहीं होगा आपके अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे। अगर आप हार जाएंगे तो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे, अच्छी योजनाएँ कहाँ से बनेगी। तो अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए और जनवरी के बाद आपका समय अच्छा आ जाएगा जी। आचार्य जी, हम सभी चाहते हैं हमारी जिंदगी एक अच्छे ट्रैक पे चले, खुशियाँ हो, आनंद हो, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिनसे हमारी जिंदगी में निराशा और उदासी सी छा जाती है। वो कौन से योग हैं जो दुर्घटनाओं को बनाते हैं? किस तरह हमारी जिंदगी खुशहाल से निराशा में बदल जाती है? बिल्कुल, देखिए जन्म कुंडली में जब भी शनि चंद्र की युति हो या राहु लग्न में हो, केतु लग्न में हो, मंगल केतु की कहीं भी युति हो, क्योंकि ये जो ग्रह इंसान को भ्रमित करते हैं जी। इंसान गाड़ी चला रहा होता है और शनि चंद्रमा उसके लग्न में है, तो इंसान चला तो गाड़ी रहा होता है परंतु सोच रहा होता है बहुत दूर की, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, तो उससे ध्यान भटक जाता है, दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसे जिनका भी शनि चंद्र लग्न में हो उनको धैर्य से ध्यान एकत्रित करके ही गाड़ी चलानी चाहिए। जिनका लगन में केतु हो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, करूं ना करूं, इधर मुड़ूं उधर मुड़ूं, ब्रेक मारूं, गाड़ी ग्रीन लाइट क्रॉस करूं, रेड लाइट पर रोकूं, ऐसे विचारों से भी एक्सीडेंट हो जाता है जी। इसी के साथ हमारी अगली दर्शक दिल्ली से मेनका फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर्ष के लिए पूछना चाह रही हूँ, उनका जन्म तिथि है 17 मार्च 1989, अम्बाला से है और 1:40 का जन्म है, रात सुबह 1:40 का। बिल्कुल, बहुत जल्दी बोल दिया, 17 मार्च 1989। टाइम भी बता दीजिए। हाँ जी, 1:40 AM सुबह का अम्बाला से, 8:40 AM। हाँ जी, 1:40। अच्छा, 1:40, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, अब पूछिए क्या पूछना है। पंडित जी, ये ना बीमार चल रहे हैं काफी टाइम से और इनका काम रोजगार नहीं है, मतलब सही से बन नहीं रहा है, काम के लिए परेशान है। बिल्कुल, देखिए जब भी खराब दशा आती है तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इनकी भी दो दशा चल रही है, हेल्थ लॉस वेल्थ लॉस, यानी शारीरिक कष्ट भी रहेगा और इनकम में गिरावट, इनकम न होना, और बीमारी में पैसा लगता है तो उस समय पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमेशा पैसे की बचत करो, मुसीबत में पैसा ही काम आता है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, प्रत्येक दर्शक को इस बात को याद रखना चाहिए कि मुसीबत के समय में, संकट में पैसा काम आता है, पैसे की बचत बहुत ही ज़रूरी है। इनकी जो दशाएँ चल रही है वो काफ़ी ख़राब है और दिसंबर तक रहेगी, आप उपाय करते रहें, निश्चित रूप से उपाय से फर्क पड़ेगा। एक तो इनको कहिए महामृत्युंजय करें स्वयं, या आप भी कर सकती हैं, एक सोमवार को भगवान शिव पे कच्ची लस्सी चढ़ाएं और ओम नमो शिवाय का जाप करें, और हो सके तो 1 किलो सतनजा शनिवार को गाय को खिलाएं। ये करते रहें, इससे सेहत में सुधार आएगा, सेहत में सुधार के बाद ही लक्ष्मी आएगी, क्योंकि बीमारी के साथ लक्ष्मी का आगमन संभव नहीं है। तो पहले इनकी सेहत अच्छी कीजिए और हेल्थ अच्छी होने के बाद पैसा भी आएगा जी। आचार्य जी, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे कि दुर्घटनाओं का योग कैसे बनता है, अचानक से ड्राइविंग के समय हमारे दिमाग में अलग अलग से विचार आते हैं जो कि दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं। बिल्कुल, देखिए जब भी खराब ग्रह केतु लग्न में होगा इंसान हमेशा कन्फ्यूज माइंड रहता है, राहु लग्न में होगा तो इंसान हमेशा प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में रहता है, उसने गाड़ी आगे निकाल ली, मैं पीछे रह गया, आगे बढ़ाएगा, या उसकी छोटी गाड़ी है, मेरी गाड़ी बड़ी गाड़ी है, मैं आगे निकलूँगा, तो इसी वजह से इंसान एक्सीडेंट हो जाता है। केतु लगन में भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में एक्सीडेंट के योग बनते हैं, सबसे पहले तो उनको अपने नाम पर गाड़ी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अपने नाम पर लेंगे तो एक्सीडेंट के ज़्यादा संभावनाएँ बढ़ जाती है। किसी के नाम पे लिए, माता के नाम पे लीजिए, पिताजी के नाम पे, पत्नी के नाम पे, भाई के नाम पे लीजिए, ताकि उनके ग्रह कुछ हद तक आपको सपोर्ट करें और दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि दुर्घटना बहुत ज़्यादा खराब होती है, शरीर का सत्यानाश हो जाता है, तो इसलिए इससे बचाव रखें।
और ऐसे लोगों के लिए केसर का तिलक बहुत ही रामबाण इलाज है, उनको लगाना चाहिए, क्योंकि केसर का तिलक बृहस्पति है और बृहस्पति महाराज हमेशा धैर्य देते हैं, यानी बुजुर्गी प्रवृत्ति देते हैं जी। और उससे भी ज्यादा जरूरी है आचार्य जी, जो भी हम काम करें पूरी सावधानी और धैर्य के साथ करें, वो भी बहुत जरूरी है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे त्रिलोकपुर से माता बाला सुंदरी की लाइव आरती। हमें दीजिए इजाजत, जय माता दी। जय माता।